सोबिया के साथ में बर्बाद हो जाओगे। विषय मैं बर्बाद हो जाऊंगा, फिर सोबिया अपनी मां के कोख से दोबारा पैदा नहीं लेगी। लेकिन विषय मरते दम तक तुम जैसे विषय के साथ मैं शादी नहीं करूंगा। वो हाथ में आज मैं कर दूंगी रे। दोबारा तुमने किसी भी रूप में किसी भी प्राणी में जन्म लेने का प्रयास तुम्हारा प्राण नहीं करेगा। चाहे तुम मुझे फांसी के फंदा पर चला दे वैश्य, सर कटा सकता हूँ वैश्य, वरना सर झुका नहीं सकता।
मारा जाओगे नट्टी घर में। ये मत सोच कि कोई मोमबत्ती तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे सामने में मोमबत्ती है तू। इस मोमबत्ती को तुम कितनों भी आग लगा दे, यह मोमबत्ती पिघलने वाला नहीं है। बेशक मेरा जान को छोड़ दे, हम यहां से राजमहल लौट करके चला जाओ। जान को मैंने तुमको छोड़ दूंगी, मैं यहां चाहती तुम्हारा जान छूट जाए। असल में मेरी मांग उदास है, मेरी मांगों में सिंदूर डाल के तू अपना डेरा डाल ले, मैं तुमको आजाद कर दूंगी। ना खाने के लिए कमी रखूंगी, ना पीने के लिए कमी रखूंगी, भोजन की कोई कमी नहीं। अरे लाली सेठ पलंग सोफिया की सजी हुई रह जाएगी, लेकिन तुम्हारे सिवा वह सेठ अधूरा रह जाएगा। बेशिया ये शादी मरते दम तक तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। नहीं करेगा? क्योंकि तुमसे अच्छा मेरे रानी मेरे महल में है। अरे वो रानी को छोड़ दे, किस पापी नगरी रानी को तुमने उठा करके मोदी किला में अपना सिर का ताज बना लिया, सिर का बोझा बना लिया। तुम्हारे सर पर ढूंढते ढूंढते वो पापी रानी मर जाएगी, लेकिन मुझे बना ले अपनी रानी, तुम्हारा जिंदगी सवर जाएगी। बूढ़वा से पिया पसिया को रंगों तो शादी करने के लिए जब तुम बोल देगा मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयारी हूं, मुझे खोल करके आजाद कर दे, मैंने उसी टाइम में तुम्हें खोल करके आजाद कर दूंगा। चली बेस्या अपने रंग महल को तरफता रह जाएगा। और एक बात जान ले, मेरे बिना ऑर्डर से तुम्हें हवा भी तुम्हें तुम्हारे इस संसार में प्रवेश नहीं करेगा। और हवा की तो बात दूर है, पानी तक नहीं मिलेगा। Yeah, man.
सो ओ Yeah.
बिलावा सुना ना सो आइए श्रीमान देवर और भाभी के पास पहुंचकर के माँ देवी ज्वेलर्स प्रोप्राइटर पदुन कुमार जिनका मोबाइल नंबर 95 70 74 05 खुदार के दुकान के सामने, तो आप लोग अवश्य जाकर के खरीदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सम्मुख से मोहित चला गई थी, मैंने पद्मनाथ के पास गई थी। पद्मनाथ ने आपके बारे में पूछा, तुम अकेले क्यों आई, मेरा भाई कहाँ है। मैंने आपके बारे में बताई, मेरे देवर जी खो गए, मुझे नहीं मिला, मैं अकेले आई। देवर जी मेरी गलती को वो माफ नहीं किया, मेरे ऊपर उन्होंने बिजली का कोरा चढ़ा। क्या ऐसा भाई साहब को नहीं करना चाहिए भानु जी, ठीक है। अगर तुम्हारे ऊपर भाई साहब ने बिजली का कोरा चढ़ाया है, कोई बात नहीं है भाभी जी। जिस रोज हम ये नेटवर्क किला से राजमहबा जाएंगे, भाई साहब को समझा देंगे, फिर उस रोज से भाई साहब तुम्हारे ऊपर नजर उठाकर के नहीं देखेगा। देवर जी यही बेस्या ने जादू का पुस्तक और तुम्हारी कला का नजर करके बलहार दिया है। जब इनसे मैंने मांगा तो ये मुझे जादू के फसल में फंसा करके ले आई है शादी करने के लिए। यह बेस्या जब मुझसे मिलती है, ये कैद घर में आती है, तो मुझे मेरे साथ वह वातावरण शादी का करती है। देवर जी आप शादी किए या नहीं किए,
शादी तो नहीं किया। शाबाश देवर जी, शादी नहीं किए, अच्छा किए। जो वेश्या मेरे बदन पर झाड़ू की मार चलाती है, जो वेश्या मेरे बदन पर भट्ठा की मार चलाती है, क्या वो वेश्या को मैंने अपने महलों की दुल्हन बनाऊंगा? नहीं देवर जी, ऐसा नहीं हो सकता है बाबू जी। ये चाहू चाहती शादी करती हो, ये वेश्या ये छोरी से ये जा तरीके धारा तू लड़वाए हटिया पेरो जितना जल्दी हो इस संसार से भाग जा भाभी जी। ठीक है देवी, जब तक अगर वेश्या बुद्धे की शादी के लिए आपको कहना है, वेश्या जब तक मेरा भाभी जी आदेश नहीं देगी तब तक नहीं करेंगे, जब तक मेरा भाई बड़ा भाई आदेश नहीं देंगे तब तक नहीं करेंगे। जारी देवी, मैंने हफ्ता रोज के अंदर सेना सजा करके मैंने अवश्य आपकी खबर आई है। Yeah.
मनुष्या। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े राजाओं महाराजों से टकराने की शक्ति तुम्हें भगवान दिए, लेकिन आज तुमने गढ़गढ़ किला में आकर के बिल्कुल बागर बन गया है। जिस तरह बंधा हुआ कैद में रहता है बिल्कुल उसी तरह है। तुम मुझसे शादी कर ली, मैं तुम्हारी जिंदगी को सवार दूंगा। तुम मेरा जिंदगी को क्या संवारेगी, तुम अपने खुद जिंदगी को संवार ले। अरे शादी तो कर ले, मैं तुम्हारी नसीब बना दूंगी रे। मुझे नसीब नहीं बनाना है बेशा। अगर ये मेरी जादू का तो मेरे बदन में नहीं लगाता तो ये बेरी था तो बेशिया क्या। मैंने जिंजीर को भी तोड़ करके अपने राज जा सकता था। अगर तीर तलवार गोली कट्ठा से लड़ाई होता बेशिया तो न जाने अब तक तुम्हारे ये नटवर किला को मैंने शमशान घाट बना दिया। नटवर किला को शमशान घाट बनाने के लिए 2.5 किलो का कलेजा होना चाहिए। राजा इसी में भलाई है कि तुम मुझसे शादी कर ले। शादी नहीं करेगा तो बहुत बड़ा गजन होगा। इस संसार से छोड़ करके जहां ले जाऊंगी खैनी और मरचाई की धुआं दूंगी तुम्हें, सांस लेने पर भी मजबूर कर दूंगी तुम्हें। अगर तुम मुझे फांसी खींच छोड़ ले या फांसी के फंदा पर चढ़ा दे, मैं तुम्हारी ऊपर नजर उठा करके देख भी नहीं सकता हूं। नजर उठा करके नहीं देखना तो दूर की बात है। अब तुम बचेगा तब तो तुमने शोभिया को देखेगा। तुम अब बचने का लायक नहीं रहा। तुम्हारे जैसा मर्द धरती पर बहुत बड़ा धरती माँ का भार बन गया है। धरती माँ भार सह नहीं सकती है, वो अपने गोद में बैठानी चाहती है। तू जल्दी धरती माँ की गोद में चला जा। शायद तुम्हें मालूम हो कि बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े योद्धा साला अगर मेरा नाम सुन लेता था तो धड़िया में पेशाब उतर जाता। लेकिन अफसोस की बात है भैया, जितना तुम्हें ऐश करना है कर ले। हफ्ता राज के अंदर में भैया तुम्हारे नटवर किला में फौजी आने वाला है। जवान में लगाम लगा करके बोल बना, जवान में सरकारी ताला लगा दूंगी। कौन आएगा मेरे नटवर किला फौजी लेकर के? डिंगरा का बेटा जो मेरी नटवर किला में आ गया, कैसी मार मारूंगी डिंगरा का बेटा को, हालत खराब हो जाएगा। गलियों के खा पाना।
डॉक्टर साहब आप चली गई है अपने मोहब्बी किला नटवर किला से, खबर जनाएगी तू बनारस किला, खबर जनाएगी तू सिरसा किला जा कि बड़े बड़े भाग तलवार वाले राजा रहते हैं, और खबर जनाएगी तू मोहब्बी किला, तीन किला से सेना साझ करके आएगा मेरे नटवर किला में फैसला करने के लिए। इससे पहले तुम्हारा कोई सूचना है तो फिर तुम्हारा सूचना देने की मेरे नटवर किला कोई नहीं आएगा। अगर जो टुकड़े का बेटा आ गया तो कुत्ते की मौत मारूंगी उसे। मेरे राज महबा का जवान जिंदगी और मौत से दिन रात खेलता है, उसे न जिंदगी जीने का शौक है न उसे मरने का डर है। हर वक्त वह जब भी खेलता है तो कच्ची गोली से नहीं खेलता है, पक्की गोली से खेलता है। चला गया है। अच्छा किया रानी सोना बच करके निकल गई है।